अगर आप हंसना और गुदगुदाना चाहते हैं तो एक बार जेके की कचक कर मार लेना चाहिए। सुरेख आर्ट गैलरी में लगी एग्जीबिशन में कैरिकेचर्स की दुनिया सजाई गई है। आर्टिस्ट ने यहां हास्य और व्यंग्य कॉम्बो को पेश किया है। एग्जीबिशन में देश की वर्तमान राजनीति को भी देखा जा सकता है। सीनियर कार्टूनिस्ट लोकेंद्र सिंह ने एग्जीबिशन के जरिए कहीं गठबंधन तो कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले पर व्यंग्य कसा है। व्यंग्य के साथ ही हास्य के रंग भी कार्टून में दिख रहे हैं। मैंने कार्टून कैरिकेचर पेंटिंग्स का शो किया है और उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि आम आदमी की जिंदगी में कितनी समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं से वो जूझता है। उन सभी समस्याओं को उजागर करने के लिए मैंने आम आदमी की समस्याओं को उन कार्टूनों में सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है और आप समाज में फैली और बुराई हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने कार्टून के जरिए व्यंग किए हैं। कार्टून के अलावा एग्जीबिशन में कुछ पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें प्रकृति के सृजन और विनाश को दिखाया गया है। इनके साथ ही कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के स्केच भी एग्जीबिशन का हिस्सा हैं, जिनमें मन्ना डे, नरेंद्र मोदी, ओबामा, अमिताभ बच्चन, एमएफ हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम शामिल हैं। पेंटिंग्स में मैंने प्रकृति के संहार यानी आपका किस तरीके से प्रकृति नष्ट होती है और आगे उसको डिस्ट्रॉय होती है, उस चीज़ को मैंने दर्शाने की कोशिश की है। मेरे कार्टून करीब 80 के करीब हैं और इन सभी कार्टून में मैंने राजनीतिक सामाजिक सब्जेक्ट को लिया है। नेताओं के भ्रष्टाचार घोटालों को लेकर मैंने दिए हैं, प्रधानमंत्री को भी लिया है और जनरल नेताओं को भी दिखाया है मैंने। जेल में खड़े लालू, बाबूलाल नागर का ब्लड टेस्ट और आम आदमी पार्टी के कारनामों से भरी इस एग्जीबिशन का 14 फरवरी की शाम को समापन होगा। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, हैथवे न्यूज, जयपुर।